हमारा गोमती नगर रेलवे स्टेशन और ये देखिए। तो गाइस ये है गोमती नगर रेलवे स्टेशन का, ये अपना रेल आरक्षण मिलता है, ये टिकट काउंटर वगैरह। हम आ गए हैं गोमती नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर, और गाइस हम लगभग आ गए हैं अभी नंबर एक प्लेटफार्म। यहाँ से राइट साइड में दो और तीन नंबर प्लेटफार्म है, और गाइस इधर आप देख सकते हैं कुछ यात्री हैं यहाँ पर। और गाइस ये है प्लेटफार्म नंबर 6 से ही। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस आज हम आए हैं गोमती नगर रेलवे स्टेशन, और आज के इस ब्लॉग में गोमती नगर रेलवे स्टेशन को मैं दिखाऊंगा और आपको इस स्टेशन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि यहाँ से कहाँ कहाँ की ट्रेनें मिल सकती है और इसका लोकेशन कहाँ पे है। इस लोकेशन की बात की जाए तो ये जो स्टेशन है ये गोमती नगर विवेक खंड के एरिया में आता है, और यहाँ का जो इस स्टेशन का जो कोड है वो GTNR है, और ये जो स्टेशन है वो उत्तर पूर्व रेलवे के अंडर आता है। और ये जो गोमती नगर जो रेलवे स्टेशन है लखनऊ रेलवे स्टेशन का ही एक स्थानीय स्टेशन है। तो चलिए चलते हैं और आपको मैं आज दिखाता हूँ गोमती नगर रेलवे स्टेशन। लगभग यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफार्म है यहाँ पर, और सभी अभी बहुत ज़ोर शोर से काम चल रहा है यहाँ पर, और आपको मैं अभी दिखाता हूँ बैक कैमरे से। तो इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइस चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ पूरा गोमती नगर रेलवे स्टेशन। तो गाइस आप देख सकते हैं ये है गोमती नगर रेलवे स्टेशन का ये एंट्री गेट है, ये वाला ये जो बोर्ड लगे हरे वाले ये हमारा एंट्री गेट, और एंट्री होते ही ये हमारा यहाँ पे ये जो बने हैं सभी व्हीकल पार्किंग एरिया है, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह सब खड़ी हो सकती है। ये देखिए सभी गाड़ियाँ खड़ी भी हैं, और यहाँ से हम आगे फिर ये हमारे सामने ये गोमती नगर रेलवे स्टेशन देख सकते हैं, यहाँ पे ऑटो ई रिक्शा वगैरह सब पार्किंग। यहाँ से आप अगर रेलवे स्टेशन से नीचे उतरते हैं, ट्रेन से आते हैं और आपको यहाँ से कहीं अगर जाना है लखनऊ सिटी के अंदर, यहाँ से आप ऑटो ई रिक्शा वगैरह पकड़ के यहाँ से आप जा सकते हैं हमारा गोमती नगर रेलवे स्टेशन। और ये देखिए ये बना हुआ है यहाँ पे गोमती नगर का रेलवे स्टेशन का, और इसके जस्ट लेफ्ट में ही हमारा SBI का यहाँ पे ये ATM है। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये है SBI का ATM, यहाँ से आप पैसा वगैरह निकाल सकते हैं। और इस साइड में देखिए अभी ये है हमारा ये रेल आरक्षण केंद्र रेलवे रजिस्ट्रेशन का है अपना रजिस्ट्रेशन काउंटर। तो चलिए मैं आपको पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर दिखाता हूँ। एक गोमती नगर रेलवे स्टेशन का ये अपना रेल आरक्षण केंद्र, यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह सब करा सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे कैसा है यहाँ पे काउंटर वगैरह सब। तो भाई ये देखिए यहाँ से आप अपना टिकट और रजिस्ट्रेशन वगैरह सब करा सकते हैं। ये पूरा है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर यहाँ पर। तो गाइस चलते हैं अभी प्लेटफार्म के अंदर। देखते हैं ये गोमती नगर रेलवे स्टेशन का, और यहाँ से एंट्री, और यहाँ से आप आग भर जा सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर प्लेटफार्म पे। चलिए चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का। और ये देखिए अंदर यहाँ पे एंट्री होती है, यहाँ पे टिकट काउंटर है, जनरल टिकट यहाँ पे मिलता है, ये टिकट काउंटर वगैरह, यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले वगैरह लगा है यहाँ पे। अभी हम आ गए हैं गोमती नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पे, और ये देखिए ये है हमारा प्लेटफार्म नंबर 1, काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा भी है। और ये देखिए इस तरफ है, और ये इधर बैठने वगैरह के लिए यहाँ पर सीट वगैरह सब बना रखा है, यहाँ पर बैठ सकते हैं। हमारी ट्रेन भी एक खड़ी है, ये है हमारी ट्रेन छपरा कचहरी टू गोमती नगर, गोमती नगर से आती है छपरा को। और अभी तो कोई यहाँ पे कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है, और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए पूरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे अभी। ये देखिए मतलब बहुत ज़्यादा इसका विस्तार किया जा रहा है, बहुत अच्छा सुंदर बनाया जा रहा है इसको। अभी आने वाले भविष्य में ये बहुत ही अच्छा स्टेशन होगा, बहुत ज़्यादा ट्रेनें भी रुकेंगी यहाँ पर। चलते हैं और आपको मैं आगे थोड़ा दिखाता हूँ। अभी हम प्लेटफार्म नंबर 1 पे ही है, मैं चलता हूँ थोड़ा आपको लास्ट तक दिखाता हूँ प्लेटफार्म को। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से जो
मेन जो ट्रेनें यहाँ से जाती है यहाँ से वो पूर्वांचल के लिए में अपना छपरा, बलिया, गाजीपुर, उसके बाद फिर जौनपुर, गोंडा, गोरखपुर इत्यादि के लिए ट्रेनें यहाँ से मिल जाती है। और इस साइड में कानपुर और दिल्ली के लिए भी ट्रेनें मिल जाती है। और गाइस ये हम आ गए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही हैं अभी। और ये देखिए पूरे यहाँ से इस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से पूरे गोमती नगर रेलवे स्टेशन का ये है पूरा एक सीन। ये देखिए हम आ गए अभी नंबर 1 प्लेटफॉर्म के लास्ट में। और ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है गोमती नगर का बोर्ड यहाँ पे, ये देखिए। और गाइस मैं आपको बता दूँ कि अगर आप गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और अगर आपको बस पकड़ के यहाँ से कहीं पूर्वांचल में बस से जाना है तो यहाँ से मात्र 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे ही अभी बहुत अवध बस स्टैंड है, वहाँ से आप बस पकड़ के जा सकते हैं। अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो अवध बस स्टैंड के ऊपर एक वीडियो बना रखा हूँ। तो गाइस ये देख सकते हैं ये हमारा फुटओवर ब्रिज, इससे हम आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर प्लेटफार्म पे जा सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं इधर से भी अगर लगत ज़्यादा है तो ट्रॉली के बाद से आप उधर से आ सकते हैं, सामान वगैरह सब ले सकते हैं। और यहाँ से देखिए टोटली 1 से 6 तक प्लेटफार्म तक जाने के लिए रास्ता है, ये फुटओवर ब्रिज है ये इधर रास्ता। और ये देखिए पूरा यहाँ से अभी हम आ सकते हैं प्लेटफार्म नंबर 6 के पास। और या तो आप इधर से चले जाइए, ये सीढ़ियों के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। और ये देखिए इधर ये पूरा प्लेटफार्म का ये कंस्ट्रक्शन का काम इधर पूरा चल रहा है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। चलिए चलते हैं नीचे प्लेटफार्म नंबर 6 के नीचे चलते हैं। और इस साइड में देखिए इधर इलेक्ट्रिक का सब ये काम चल रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन प्लेटफार्म बहुत ही साफ सुथरा है और अच्छा है। तो गाइस अभी हम हैं प्लेटफार्म नंबर 6 पे, और चलिए चल के दिखाते हैं आपको। और गाइस ये है प्लेटफार्म नंबर 6 से बाहर जाने का रास्ता, और ये मैं आपको दिखाता हूँ इधर से थोड़ा। ये पीछे साइड में प्लेटफार्म नंबर 6 से यहाँ से बाहर जा सकते हैं। और ये है पूरा यहाँ का बाहर का एरिया, यहाँ पे भी व्हीकल पार्किंग वगैरह के लिए साधन अच्छा है। ये देखिए पूरा यहाँ का ये बाहर का इलाका है पूरा प्लेटफार्म नंबर 6 का, यहाँ से भी आपको ऑटो रिक्शा वगैरह मिल जाएगा और आप यहाँ से ऑटो रिक्शा वगैरह कहीं भी जा सकते हैं। देख सकते हैं प्लेटफार्म नंबर 6 से जो एग्जिट गेट है वहाँ से ऐसा है यहाँ का बाहर का पूरा, ये हमारा गोमती नगर रेलवे स्टेशन का पूरा बाहर का। तो गाइज आज के इस ब्लॉग में मैंने पूरा गोमती नगर रेलवे स्टेशन के बारे में बताया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको जानकारी कैसी लगी गोमती नगर रेलवे स्टेशन की, इसके बारे में कमेंट जरूर करके बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।